हिमाचल को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। ये प्रतियोगिता 23 नवंबर से आरंभ होगी और जिसका समापन 25 नवंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। इस ओपन प्रतियोगिता की खास बात ये रहेगी कि मार्शल आर्ट में महारत लिए कोई भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के चयन के लिए दिल्ली में लगने वाले कैंप के लिए चयन किया जाएगा। ये जानकारी हिमाचल किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रधान संदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। हिमाचल किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रधान संदीप शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों के करीबन 650 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर किक बॉक्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले 8 खिलाड़ियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके फेडरेशन की प्रदेश सरकार से एक ही मांग है, जो भी खिलाड़ी प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं उन्हें अच्छी सुविधाएं प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि वह भविष्य में ज्यादा जोश के साथ और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, पूरी एसोसिएशन बहुत खुश है कि हिमाचल को पहली बार इंडियन फेडरेशन की ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हिमाचल में इस तरह का पहले फेडरेशन की ओर से पहले कभी भी इस तरह का इवेंट नहीं करवाया गया है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी 12वीं सीनियर नेशनल प्रतियोगिता है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से इसका आयोजन करें। फेडरेशन की और हिमाचल प्रदेश किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की हमारी तो सरकार से एक ही मांग है, जो खिलाड़ी अपने खून पसीना एक करके देश के लिए खेलते हैं, अच्छे मेडल हासिल करते हैं, उन खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ बढ़िया सुविधाएं, उनके उस मेडल का सम्मान मिले और आगे उनके भविष्य में खेल के प्रति जब भी वो खेलने जाएं तो उनके बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राजीव सहजल, जो कि 23 तारीख को हमारे इस नेशनल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे, और जो क्लोजिंग सेरेमनी है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आएंगे, और जो हमारे अभी हाल ही में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी किक बॉक्सिंग की अर्जेंटीना में 5 नवंबर से 10 नवंबर तक, उस इवेंट में जो अर्जेंटीना में हुआ था उसमें हमारे हिंदुस्तान से 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से कि 1 गोल्ड और 8 सिल्वर मेडल देश के नाम इन्होंने खिलाड़ियों ने दिए हैं, तो उन सभी खिलाड़ियों को भी हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सम्मानित करेंगे।